हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज आपके साथ कि किस तरीके से ऊपरी लेवल पर दोपहर के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। मैं कल आपके साथ क्या एनालिसिस करके गया था उसकी चर्चा करता हूं। मैंने कल आपके साथ बात की थी कि देखिएगा जी निफ्टी बैंक, और आप यकीन नहीं कर रहे होंगे, आज दोपहर तक आपको यकीन नहीं होगा, 2 बजे तक यार रविंदर सर क्या कह गए हैं कि 500 आएगा, 35,500 बैंक निफ्टी आएगा। और मैंने तो ये भी बोला था कि अगर एक सेलिंग होती है तो 35,300 आ सकता है। और ऐसा मुझे क्यों लग रहा था मैं आपको बताता हूँ। कल जब मैं आपके साथ एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे जब अपने फोरम पे आया, तो मैं पहले से प्रिपेयर करके आया था कि क्या रीजंस हैं, क्या मेरे दिमाग में था, वो आज आपको बताता हूँ। मेरे दिमाग में था कल जो सेटअप हो रहा था, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये बात बोली थी कल कि मैंने कहा कोटक महिंद्रा बैंक में एक सेटअप बन रहा है, और ये सेटअप जो है कोटक महिंद्रा बैंक में एक वीकनेस दिखा रहा है। बेशक से कोटक महिंद्रा बैंक पिछले हफ्ते के दौरान बड़ी अच्छी तेज़ी जो है दिखाता हुआ नज़र आया, और मुझे लगता है कि वो तेज़ी दिखा के वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, और जिसकी वजह से क्योंकि इंडेक्स का हैवी वेट है और शायद वीकनेस दिख सकती है। और कल उसी तरीके से HDFC बैंक भी ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा जो है एक वॉल्यूम के साथ सेलिंग देख रहा था, और बाइंग थी नहीं अंडरलाइंग, तो मुझे लगा था कि भाई 35,500 तो आ ही जाएगा, तो अगर थोड़ी सी और हिम्मत जुटाई तो 300 भी आ जाएगा। तो जो लास्ट के एक घंटे में जो सेल ऑफ हुआ है, मैं तो आधे घंटे कहूँगा, एक घंटे भी नहीं कहूँगा, क्योंकि करीबन 35 मिनट जो सेल ऑफ हुआ है बैंक निफ्टी स्टॉक्स में, वो देखने लायक था। और क्यों था देखने लायक, वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। देखिए जी, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ पुत्र मोह की वजह से, और पुत्र मोह के कारण कौरव युद्ध हार गए, और पुत्र मोह की वजह से जो है एक बहुत बड़ा खामियाजा जो है सृष्टि को भुगतना पड़ा, और साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो उस युद्ध की चपेट में मारे गए। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो पुत्र मोह है वो काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है, अगर उसके लिए आप अनुचित रास्ता जो है देखते हैं। आप जानते हैं इंडिया के अंदर भी अगर आप राजनीतिक पार्टी में भी देखेंगे तो पुत्र मोह जो है एक विशेष जो है गंभीर बीमारी है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, वो जो है पुत्र मोह के कारण देखिएगा किस कगार पे आ गई है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी देखेंगे कि पुत्र मोह के कारण बहुत सारी कंपनीज़ को जो है खामियाजा, सॉरी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो लीडरशिप है वो नहीं है, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरीके से हमने देखा था, देखिएगा HDFC बैंक में आदित्य पुरी जी ने रिज़ाइन किया, और उस रिज़ाइन के बाद क्या हुआ, उन्होंने उसी बैंक के अंदर से जो कैपेबल बंदे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनमें से किसी एक को CMD चुन लिया। अब यही जो है समस्या आ रही थी कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक में अगले साल जो है उदय कोटक जी जो है रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि RBI के जो नॉर्म्स हैं वो मैक्सिमम परमिशन उनको मिल चुकी है। अब उदय कोटक जी अपने पुत्र को वहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है बैंकिंग का जो कि बाकी बड़े प्लेयर्स के साथ है। तो इन्वेस्टर्स की मीट के साथ उनका जो प्रोडक्ट है 811 कोटक बैंक का, जो सेविंग बैंक का जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में उन्होंने लॉन्च किया, तो मीडिया में भी रिपोर्ट थी। तो देखिएगा जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि जो कैपेबल बंदा है वो जब वो लीड करता है ना तो उसके साथ पीछे का एक्सपीरियंस रहता है, और हम किसी भी ऐसे को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो कि बैंक की परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करे, या उसको जो है भी साबित करना पड़े अपनी मैनेजमेंट की स्किल को। तो हालांकि जो फैमिली है वो चाह रही है कि भाई उनको आगे लीड करने के लिए जो है थोड़ा सा टेस्टिंग करके देखी, 2 कदम चल के देखे कि भाई साहब क्या जो है उसका रुझान होता है। लेकिन भाई साहब FIIs इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा उसी शेयर के अंदर इन्वेस्टेड है, ये बात आप समझते हैं, और FIIs को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज 6 गुना वॉल्यूम के साथ कोटक महिंद्रा बैंक में सेलिंग हुई थी, लेकिन FIIs ने भी मुझे लगता है कि उन्होंने टाइम दे दिया था, भाई टाइम है तुम्हारे पास, अपने सामने खरीदार लिया हो खड़े कर लो जिनको हम माल दे सकें। मैं एकदम तो सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैं जनरली ट्रेड्स जो है सौदे चेक करता हूँ बैंक निफ्टी के, भाई जब भी कभी कोई मूवमेंट्स आती है कि रीज़न क्या है। तो जब मैं आज कोटक, मेरी जो नज़र गई, मैं जनरली 5 शेयर्स को ट्रैक करता हूँ, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और हमारा जो है HDFC बैंक। तो मैंने जब वहाँ पर नज़र दौड़ाई तो मेरी नज़र गई कोटक बैंक में। भाई साहब कोटक बैंक में क्या हुआ है, जो सारा वॉल्यूम आप देखोगे ना, ये वॉल्यूम 70% वॉल्यूम लास्ट के 35 मिनट का है। क्या शेयर्स थे, 50,000 शेयर, लाख शेयर्स, 35,000 शेयर, 40,000 शेयर, उठाओ भैया,
इस तरीके से शेयर्स जो है गिर रहे थे। तो ये या तो कोटक बैंक ये क्लियर कर दे कि भाई साहब ठीक है, नहीं तो भाई साहब ये जो FIIs जो सेलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे वो याद आ रही है जो पिछले 1.5 महीने 2 महीने पहले हमने HDFC बैंक में देखा था। मर्जर की खबर के बाद HDFC बैंक को ऊपर लेके गए, टांग दी, और उसके बाद भाई साहब वहाँ से आप लोग जानते हैं 400 450 रुपये की गिरावट दिखाई। सिमिलर पैटर्न चार्ट पे वैसा ही बन रहा था कोटक महिंद्रा बैंक का। मैं ये देख रहा था कि एकदम बड़ी तेजी से गया, फिर कल के दिन के 1.5-2 घंटे जो है उसमें वीकनेस देखने के लिए मिली, और मेरा इंडिकेशन था भाई ये बैंक निफ्टी को तोड़ देगा, और आज वही हुआ। और मैंने जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी, स्क्रीनशॉट भी जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भेजी थी। मैंने कहा यार ये देखो ये प्राइस जो टूट रहा है ना इसमें कुछ होगा, बट मुझे भी इतना नहीं डाउट था कि यार एक ही दिन में 70-80 रुपये की जो है तबाही कोटक महिंद्रा बैंक में हो जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक ये 56 रुपये गिरा है, अब इसको एडजस्ट करोगे 2.96, ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे था, ये तो आधे घंटे की एवरेज है, उस वजह से आपको प्राइस दिख रहे हैं। तो 1500, 1830, 1835 रुपये पे ही ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा था। हाई पर देखिएगा 81 1896, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। ये जो वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे HDFC बैंक का, ये वॉल्यूम केवल कितना रहता है, 3 मिलियन के आसपास इसमें वॉल्यूम रहता था। आज 14.83 मिलियन वॉल्यूम, और सिमिलरली वॉल्यूम्स BSE के अंदर भी ज़्यादा थे। तो ये जो है ये इंडिकेट था। तो आज बैंक निफ्टी क्यों गिरा वो रीज़न अभी हमें समझ में आ रहा है। और ये इसके साथ एक और रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि LIC के IPO के बाद जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बिजनेस को रीथिंक कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स। जो FIIs हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को इस ओ का पी मल्टीपल देना है या नहीं देना है। और आप ये देखेंगे कि HDFC लिमिटेड के साथ भी जो है आज सेलिंग थी, हालांकि वॉल्यूम डबल के आसपास थे। तो आज हो सकता है कि ट्रेडिंग के लिए सौदे बने हो, क्योंकि जो फाइनेंशियल निफ्टी है उसकी एक्सपायरी होती है आज के डेट में। लेकिन मुझे जो विशेष रूप से लगता है कि जो मीडिया में भी खबरें थी कि भाई जो है जैक कोटक जी जो है आगे कमान संभाल सकते हैं, और उन्होंने एक टेस्टिंग करके देखी है कि भाई चलो मीडिया में देखे देखते हैं क्या मीडिया को एक्सेप्ट करती नहीं करती, पर मुझे आज के पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि FIIs बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर आप प्रमोट करोगे अपने बच्चे लड़के को, अगर उदय कोटक जी करते हैं और जो है कोटक महिंद्रा बैंक की कमान उनको संभालते हैं, तो शायद वो FIIs या बाकी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं यार उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो म्यूचुअल फंड्स आपको कमा के कहाँ से देंगे, म्यूचुअल फंड्स तो हमारा पैसा डाल रहे हैं, और अगर FIIs ने वहीं पर और माल पटक के दे दिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये मुझे पर्सनली लगता है कि जिस वजह से आज ये ऊपर से सेलिंग हुई, और सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि मैंने कल निफ्टी में बोला था कि 16,600 और 700 के बीच में एक सप्लाई जोन है और बाजार नीचे है। और मुझे अभी कल के लिए भी लगता है कि बाजार कंसोलिडेट करना चाहिए नीचे की तरफ 16,400 और ऊपर 16,700, इसी रेंज में जो है बाजार काम करते हुए नज़र आने चाहिए। और यहाँ पर भी देखिएगा गैप मैंने कहा था कल फिल हो गया, तो आज जो कैंडल बनी है डोजी वो ये बता रही है कि ऊपर की सारी जो तेजी थी उसको नलीफाई कर दिया है। तो ये जो 3-4 दिन की तेजी थी अब इस पर एक तरीके से ब्रेक लगा, अब यहाँ पर बाजार कंसोलिडेट होगा या बाजार नीचे की तरफ आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, JSW, SBI लाइफ इंश्योरेंस और ONGC, ये सब तेजी के साथ थे, और रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस और HDFC बैंक। और मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगा आज कि देखिएगा जिस तरीके से पैटर्न बने हुए हैं, जिस तरीके से पैटर्न बने हुए हैं, यहाँ पर एक बात पक्की है कि जो डोमेस्टिक जो फंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वो ओवरबोट सिचुएशन में है, और FIIs अभी शायद नहीं खरीदेंगे, और वो बड़े स्मार्टली जो है ओवर वैल्यूड बाजार को सेल कर रहे हैं, और वो कंट्री भी शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो फंड्स हैं वो कुछ ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज में जा रहे हैं जहाँ पर कि वैल्यूशन हमसे ज़्यादा किफ़ायती है। और मैं देख रहा हूँ कि ब्राज़ील के अंदर जो है थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशंस में है वो, ब्राज़ील के बाजार थोड़े से कम गिरे हमारे सामने अगर देखेंगे तो, जो बाजार में गिरावट हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक थी आज, ब्रोडर मार्केट ठीक थी, लेकिन ब्रोडर मार्केट भी 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाएगी अगर ऊपर से सेलिंग हुई तो। ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC, टाटा कंज्यूमर, कोयल इंडिया, JSW स्टील, SBI लाइफ, सब अच्छी तेजी के साथ थे, और आज NTPC में भी अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी थी। और आज की मुख्य जो थी हमारी नज़र थी कोटक महिंद्रा बैंक पे, वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, फिर HDFC बैंक में वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, और थोड़ा बहुत जो है HDFC लाइफ के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग थी। तेजी वाले बाजार में निफ्टी बैंक, ये थे लास्ट प्राइस 35288। मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये तो केवल एडजस्ट होके आए हैं फिगर्स, नहीं तो बाजार यहाँ से 150 पॉइंट नीचे था।
तो कुल मिलाकर जो 500 की हम इंडिकेशन मिल रही थी वो मिलती हुई नजर आई है। कल के लिए मेरा जो दायरा है वो 34,800 नीचे की तरफ, 35,800 से लेकर 36,000 ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर कोटक महिंद्रा बैंक गिर गया तो रोज ही गिरेगा, बट चांसेस बहुत है। या तो मैनेजमेंट से क्लेरिफिकेशन आ जाए, नहीं तो भैया कल फिर धुलाइए। अब यहाँ पर देखिएगा, गैप था बैंक निफ्टी का, फिल कर लिया नीचे की ट्रेंड। ये मुझे लगता है 34,800 नीचे का लेवल, ये ऊपर जो 36,200 अभी जो थे इस रेंज के बीच में ही कल काम करेगा, टाइम पास होना चाहिए, बाजार नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। 35,000 35,100 के आसपास हम शायद कल भी बाजार को देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक अकेला था, और अब मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक का भी बहुत दिन हो गए हैं और बियर सब कुछ और मूड में है। अब शायद 1 या 2 दिन के अंदर आईसीआईसी बैंक का भी भूत उतारने वाले हैं, क्योंकि बियर्स जिस तरीके से बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं ये थोड़ी सी चिंता का विषय है हमारे को अपने पोर्टफोलियो के भी संबंध में। लेकिन जिस तरीके से सेलिंग हमें देख रही है कि कुछ चुन चुन के मार रहे हैं, जैसे पहले HDFC बैंक को चुन के मारा भाई, सब अच्छे वाली धुलाई लगाई, उससे पहले एक्सिस बैंक की धुलाई लगाई, ठीक है जी, ये दोनों साथ साथ थी। उसके बाद अब जो है कल परसों से पहले HDFC बैंक को ऊपर उठा है, मतलब पहले चांद पे लेके जाओ, पंप करो और फिर डंप करो, तो ये स्ट्रेटेजी आज कोटक महिंद्रा बैंक में देखने के लिए मिली। अब अगला शिकार क्या होगा, SBI होगा या ICICI बैंक, ये तो आने वाला समय बताएगा, बट शिकार जरूर होएगा, क्योंकि अभी बाजार ऊपर की तरफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि बियर्स बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं और बियर्स कुछ नहीं कर रहे, बियर्स अपने सौदे डाल रहे हैं, ऊपर माल से नीचे माल, आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, बाजार को नीचे ला रहे हैं। दुनिया भर के पुट्स भी कहते कि भाई एक्सपायरी थी और सब लोग सोच रहे थे नीचे पुट बेच दो, शाम तक डिके होगा 20-25 रुपये, तो भाई से बाजार यहाँ भी टिकेगा, तो 25 से 30 रुपये एक ऑप्शन के अंदर बनने ही बनने हैं फ्री। और आज भाई साहब वो जो ऑप्शंस पुट के प्रीमियम बनाने वाले थे उन सबको, जो जनरली ऑप्शन सेलर्स हैं उनको फंसा लिया। ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, मतलब कोई भी तेजी में था नहीं, ICICI बैंक फ्लैट था। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बोनस की भी खबरें थी, इसकी डेट आ गई रिकॉर्ड डेट, बट मुझे यार ये ओवर वैल्यूड लगता है। और ये भी ना मुझे पता क्या लगता है, ये जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मैनेज किए जाते हैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैनेजमेंट जो है ना उस तरीके से डील करती है जैसे कभी HDFC बैंक था, उसी तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश करते। भाई समय बदल गया, HDFC बैंक के पास एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थी और उसके पास खुला मैदान था ग्रोथ करने के लिए, उसके सामने चैलेंजेस नहीं थे। जब ये प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक या HDFC बैंक चल रहे थे तो इनके पास सिनर्जी बेनिफिट थे, वो शायद इनके पास नहीं है। और मुझे बड़ा चैलेंजिंग बैंक लगता है, और इसमें पीछे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं, हालांकि आज जो है कमजोरी हो चुकी है। मेरी किसी तरीके की सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स बहुत बड़े एक्टिवली रहते हैं, ऊपर से नीचे दोनों साइडों के सौदे मारते हैं। FIIs आज फिर सेलर हो गए 1,000 करोड़ के, DIIs हमारे 1,845 करोड़ के, हमारा पैसा रोज लगाने लग रहे हैं। आप इंश्योरेंस कराओ, पैसा आएगा शेयर बाजार में, आप म्यूचुअल फंड खरीदो, पैसा आएगा शेयर बाजार में, आप PMS में पैसा डालो, बजा पैसा आएगा DIIs के माध्यम से शेयर बाजार में। लेकिन शेयर बाजार में रियल अर्निंग आएगी या नहीं आएगी ये आने वाला समय बताएगा। वैल्यूशन बहुत सारे शेयर्स के मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप के ज़्यादा खराब लगते हैं, जो चुनिंदा है कुछ जो मतलब बिना मतलब के भगे, और जो बढ़िया शेयर्स हैं वो अभी भी अच्छी वैल्यूशन पे मिल रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो वाले चुनिंदा शेयर्स अपने चुन सकते हैं, लंबे समय के लिए बैठे रहिएगा, बाहर तो जरूर आएगी तो हमें पता है, लेकिन अभी बाजार बियर्स के कंट्रोल में है। और FIIs जब तक ये माल बेचते रहेंगे, और DIIs ने जितना माल खरीदा ना बाजार चलना शुरू हो गया, DIIs को भी तो बेचना है। लेकिन कंट्री की बात है, कंट्री की साख है, तो भैया अब साख तो बचानी पड़ेगी, और वो साख कौन बचाएगा, DIIs। तो हम तो सल्यूट करते हैं DIIs को कि भाई हम पैसा डाल रहे हैं तुम तो बचाओ बाजार को, और FIIs बाजार को बेच रहे हैं। लेकिन FIIs बाजार को बेच रहे हैं बड़े तरीके से बेच रहे हैं, मतलब ट्रेड के कर कर के प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा कमा के बेच रहे हैं। ये थोड़ा सा हमें लगता है कि हमारे जो रिटेल का पैसा छीनने लग रहे हैं ये। और FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स भी भाई साहब सेल कर दिया आज, कल के सारे डेटा ऐसे लग रहे थे, और मैं अब बोल भी रहा था कहीं मिसलीडिंग तो नहीं है, कल के सारे डेटा देख के सब आपको बोले भाई बहुत तेजी होगी बहुत तेजी होगी, मैंने कहा भैया रुक जाओ अभी एक दिन है, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हम इंडियंस है ना भाई साहब, एक चौका मारते के साथ ये कहते हैं टीम जीत जाएगी, ऐसा नहीं होता भैया। मैं भी बहुत खुश हुआ बचपन में, 2 चौके श्रीकांत मारता था भाई, लगता था आज तो भैया टारगेट कर लेंगे, फिर पता चलता था एक ही ओवर में 2-2 3-3 विकेटें गिरती थी, ठीक है, और 30 बॉल पे 15 रन नहीं बनते थे, ये भी समय हमने देखा। तो हम लोग ऐसे हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं इंडियंस, और 2 चौके लगते साहब भाई साहब आज जीत जाएंगे, चाहे 200 रन बनाने होते थे, और ये आपके साथ भी होता होगा आजकल, हालांकि मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ। तो उसी तरीके से कल जब FIIs ने बाइंग लगाई तो आप सब लोग खुशी से पागल हो गए, भाई साहब बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मैंने अपने एनालिसिस में ये नहीं कहा, मैंने कहा आज तो मैं कम से कम देखूंगा फिर बताऊंगा, और मेरा व्यू आपको पता ही है कल जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या था।
आज FIs ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर लिए, कर तो कुछ रहे हैं, ये इस डेटा को देख के लग रहा है कुछ, ये अपने आप को सेव कर रहे हैं। भैया मैंने अपने शॉर्ट्स कवर कर रहा हूँ और ये शॉर्ट कवर कर रहे हैं, ये सबसे खास बात है, यानी कि DIs इनको फंसा ना पाए, मुझे ये लग रहा है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी ये चुनिंदा सी जगह पर ही बाइंग कर रहे हैं या स्टॉक फ्यूचर्स ले रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी भी उतने बेरिश नहीं है FIs जितने पहले थे, और FIs भी कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में फंसे हुए हैं, तो शायद वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मामला जो है दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि DIs अभी ओवरबोट पोजिशन में है। पुट कॉल रेशियोज देखो, कल क्या एक से ऊपर चली गई थी बैंक निफ्टी की, और मैं कह रहा था भाई साहब अब तो ठीक हो गया, आज फिर उतार दी, हालांकि वॉल्यूम में ठीक है। बैंक निफ्टी की भी नीचे आ गई है, निफ्टी की भी नीचे आ गई है। डाउ जोंस तो कोई मामूली सी गिरावट के साथ काम कर रहा है। WTI हो ये यार, ये मेरे को सबसे सरदर्द है आज जो है। मैं थोड़ा सा इसलिए लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अपने जो है फैमिली फंक्शन में जाना था, मेरे घर का ही एक फंक्शन था तो उसमें मुझे जाना था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। और वहाँ पर भी जो है हमारे एक रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने कहा जी बाजार में कैसा रहेगा, मैंने उनको एक ही बात बोली कि जब तक क्रूड ऑयल 100 से नीचे ना ना बाजार की बात ना करें, बाजार में ऊपर जाने पे सेलिंग आती रहेगी। क्रूड ऑयल हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्रूड ऑयल जब तक 100 के नीचे ना आए या 6 महीने बीत जाने तो इन्हीं प्राइस पे, यानी कि हमारी इकोनॉमी इस प्राइस को एडजस्ट कर ले, उसके बाद ही बाजार जो है चल सकते हैं। तो मेरे लिए देखिए ब्रांड क्रूड बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, और मैं तब तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं मानता हूँ जब तक ब्रांड क्रूड ऊपर की तरफ है। तो बाजार कंसोलिडेट कर लेगा भैया ब्रांड क्रूड तो नीचे आ, या फिर हम चल के दिखा देते हैं, ये मेरे जो है व्यू है। ऑप्शन चेन के डेटा भी क्या कह रहे हैं, ऑप्शन चेन तो भैया अभी मैं ये कहूँगा मैंने ना इस तरीके की ऑप्शन चेन नहीं देखी, भाई साहब पल में ऑप्शन चेन बदल रही है। ऑप्शन चेन में दिन में देख रहा था ना भाई साहब कुछ हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है। निफ्टी की तो फिर भी ठीक है, ऑप्शन चेन के डेटा देखिए, मैं वैसे बता दूं 16,500 सपोर्ट दिखा रहे हैं, 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट है टोटल टीम है। और ये देखिए पुट के राइटर सारे गायब हो गए, अनवाइंड कर गए, इनको डर हो गया भाई कल बाजार को ना पेल दे नीचे की तरफ, तो देखिए सब अनवाइंड होते हुए नजर आए 16,200-16,300 तक भी, ये बाजार के डर को दिखा रहे हैं। उधर ही कॉल के राइटर 16,800 पे अग्रेसिव है, बट मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो अनवाइंडिंग हुई है ना 16,300 पे 16,350 पे, डर कितना है उनके मन में ये देखो ना, कि पुट लिख दियो और भैया भगो यहाँ से, ठीक है जी जंगल में आग लगे उससे पहले भग जाओ यहाँ से। तो इन्होंने अपनी पोजीशंस जो है यहाँ बाहर स्क्वेयर ऑफ कर ली। इसी तरीके से अनवाइंड 35,200 पे भी हुई है, मुझे लगता है कल 35,200 तो शायद बाजार दिखा भी दे, 35,000 भी दिखा सकता है, हालांकि मैं मानता हूँ कि नीचे जाके बाजार ऊपर भी पुल बैक कर सकता है। 35,800 से लेकर 36,000 तक अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से 35,800 पे आज सप्लाई आई है भाई साहब, दिन भर काम होता रहा भैया आ जा चल अब नीचे चल, तो 35,600 35,500 और फिर जो बाजार को नीचे फेंका गया है और लास्ट में वॉल्यूम के साथ, तो हमें लगता है कि ऑप्शन चेन के डेटा इसलिए नहीं बने क्योंकि थोड़ी देरी काम हुआ, तो कल देखेंगे डेटा क्या बनता है। बट जो अनवाइंडिंग हुई हो रही है या पुट राइटिंग नहीं हो रही नीचे, तो ये बाजार की घबराहट को जरूर दिखा रहा है। तो बाजार में जो बायस है मेरा कल भी, मैं मानता हूँ कि वोलेटाइल रहेगा, लेकिन फिर भी मेरा स्लाइटली नेगेटिव साइड है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 35,000-34,800 तक भी बाजार कल आ सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ 34,800 आ गए तो टूटना ही है बाजार, यहाँ भाई साहब अच्छा बेस है, 34,800-35,000 पे काम होना चाहिए। और जो बहुत सारे शॉर्ट्स थे उनको आज भैया जो 2-3 दिन से फंसे हुए थे, सब लोगों ने कहा यार फंसा हुआ थोड़ा सा बाजार नीचे है, कवर कर लो। बाजार बार बार ऊपर नीचे होता रहा भाई, 2 दिन से यही हो रहा था, सब अपने शॉर्ट्स कवर कर लिए, भैया तुमने शॉर्ट कवर कर लिए, लो अब बाजार को हम ठोक देते हैं। तो जैसे भी शॉर्ट्स कवर होते हैं भाई साहब बाजार उसके बाद टूटना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा अपना आकलन है, जो मैं अपने ट्रेड्स के अंदर भी जो चीज़ें फॉलो करता हूँ या जो चीज़ें देखता हूँ, और जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे आज स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक पे, वो आपको कैसे लगे जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और लाइट भी चली गई है, और इसलिए जो है हमें लगता है कि थोड़ा सा जो है वो इसकी क्लियरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।